स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं कौशल सिंह आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय दंड संहिता में आज हम पढ़ेंगे आपराधिक षड्यंत्र। तो आपराधिक षड्यंत्र क्या चीज होता है, वो धारा 120 से चालू है। आपराधिक षड्यंत्र जो है, देखिए धारा 120 देखते हैं और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख सके लोग। बस शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए आपराधिक षड्यंत्र धारा 120 क्या कहती है आपकी, देखिए धारा 120 कहती है आपकी कारावास से दंडनीय अपराध, यानी कारावास से दंडनीय अपराध जो कोई भी ऐसे कार्य से छुपाएगा, जो कोई ऐसे अपराध को छुपाएगा जो कि कारावास से दंडनीय अपराध है, यानी जिसको कि कारावास की सजा दे दी गई है और वो अपराध कड़ी सजा दी गई है उसे अपराधी की, जो कोई ऐसी धारा को छिपाएगा या ऐसे अपराधी को छिपाएगा तो उसे 120 से दंडित किया जाएगा। कैसे दंडित किया जाएगा, 120 से दंडित किया जाएगा उसे, जो कोई ऐसे अपराध को छुपाता है, जो कोई ऐसे अपराध को छुपाता है जो कारावास से दंडनीय अपराध है तो उसे 120 के अंतर्गत दोषी ठहराया जाएगा। चलिए अब देखते हैं धारा 121। धारा 121 क्या कहती है आपकी, देखिए धारा 121 कहती है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा, यानी धारा जो 121 बताती है आपकी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा बताती है आपकी। धारा 120 कहती है आपकी 121 कहती है आपकी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा क्या है, देखिए धारा 121 कहती है आपकी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने में सक्षम होते हैं, यानी कोई अपराध घटित करते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई ये कहती है आपकी धारा 121 जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने में सहमत होते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे धारा 121 के अंतर्गत, यानी आपराधिक षड्यंत्र, यानी आपराधिक षड्यंत्र एक साजिश रच रहे हैं वो कोई अपराध करने की, दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने में साजिश रचते हैं या कोई अपना प्लान बनाते हैं तो वो धारा 121 के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए एक एग्जांपल ले, अगर आपके और समझ में बैठना हो तो देखिए का नाम का व्यक्ति और खा नाम का व्यक्ति गा को मारने का प्लान बनाते हैं या फिर और भी हो सकते हैं इसमें संख्या और भी बढ़ सकती है इसमें संख्या गा को मारने का
प्लान बनाते हैं इसमें, तो ये क्या है, अपराध करने का प्लान बना रहे हैं और सहमत भी हो गए हैं सब लोग। ये जो लोग हैं सहमत भी हो गए हैं किसको मारने के लिए, गा को मारने के लिए सहमत हो गए ये। तो इन्होंने क्या किया, आपराधिक षड्यंत्र किया इन्होंने, धारा 121 के तहत आपराधिक षड्यंत्र किया इन्होंने। आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ जो हत्या का दंड, हत्या की जो दंड है उससे भी इन्हें दंडित किया जाएगा। ये आप भली भांति समझ गए होंगे। अब आ जाती है आपकी धारा 120 का है ये। अब आती है आपकी 120 खा, देखिए अब आती है आपकी 120 खा, धारा 120 खा क्या कहती है आपकी, धारा 120 खा कहती है आपकी आपराधिक षड्यंत्र का दंड। देखिए आपराधिक षड्यंत्र का दंड, आपराधिक षड्यंत्र का दंड धारा 120 खा कहती है आपकी आपराधिक षड्यंत्र का दंड क्या होगा इसमें। चलिए देखिए, देखते हैं इसमें, देखिए जो कोई आपराधिक षड्यंत्र का दंड क्या है, जो कोई मृत्यु कारावास से या हत्या के कारावास से या आजीवन के कारावास से देखिए कठिन कारावास से, सबसे पहले ले लेते हैं कठिन कारावास से, कठिन कारावास से आजीवन कारावास से, कोई दंडनीय होगा, और उसमें शरीक होंगे ये, तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि इनको किया जाता, जो जो ये अपराध करके आए हैं जो व्यक्ति, और इनके साथ जो शरीक होंगे, जो कि ये घटना करके आए और इन्हें इस सजा से दंडित किया गया है, उन्हें भी इससे दंडित किया जाएगा। धारा 120 यानी कोई अपराध करने में उन लोगों का सहयोग करना, यानी कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, जैसे कि मान लीजिए आप, का नाम का व्यक्ति जो है और खा नाम का व्यक्ति जो है और या नाम का व्यक्ति जो है, इन तीनों ने मिलकर कोई अपराध किया, अब गा नाम का व्यक्ति जो है इनमें शामिल हो जाता है और इनके साथ पूरी रचना रचता है और इनका सहयोग करता है, तो ये क्या हुआ, षड्यंत्र हुआ ये। 120 बी के अंतर्गत आएगा ये षड्यंत्र, इसने क्या किया, षड्यंत्र किया ये, इसने इन सब के साथ मिलकर ये रचना रची और जो भी ये कहा, जो भी इन्होंने कहा वो ही ये बोला, तो ये क्या हुआ, आपराधिक षड्यंत्र। आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक कोई किसी अपराध को अंजाम देना, ये किसके अंतर्गत आएगा, आपराधिक षड्यंत्र, किसी कठिन अपराध को अंजाम देना, यानी कोई बहुत ही भयंकर अपराध है उसे अंजाम देना, सब मिलकर वो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत आते हैं सभी। तो ये आज की क्लास कैसी लगी, ये बहुत छोटा सा टॉपिक था आपराधिक षड्यंत्र, आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इससे आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।